बजोली होली हाइड्रो प्रोजेक्ट के टनल में हो रहे रिसाव से डरे ग्रामीण गुरुवार को प्रशासन के द्वार पहुंचे। ग्रामीणों की माने तो टनल से पानी का रिसाव लगातार हो रहा है और अब पानी की मात्रा भी काफी बढ़ गई है। रिसाव वाली जगह से ठीक करीब 100 मीटर ऊपर गांव है, लिहाजा समय रहते कदम नहीं उठाया गया तो गांव को भी खतरा पैदा हो सकता है। वहीं भूमि कटाव के कारण ग्रामीणों की चारागाहें और वन संपदा को काफी नुकसान पहुंच रहा है, लिहाजा रिसाव बढ़ने से खौफजदा ग्रामीण गुरुवार को पंचायत समिति भरमौर के अध्यक्ष परसराम और प्रधान देवी सिंह की अगुवाई में नायब तहसीलदार होली से मिले और एक ज्ञापन सौंपा है। नायब तहसीलदार होली TR ठाकुर ने माना कि टनल से रिसाव हो रहा है, इस बाबत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। उनकी समस्या यह है कि GMR बिजोली होली की जो है सुरंग है ना, उसमें कुछ एडिट 6 के नजदीक जो है वो रिसाव हो रहा पानी का, उसके लिए उनकी कुछ मांगे उन्होंने दी है कि हम यहाँ जो है काम अच्छे ढंग से होना चाहिए, या जो इनकी डिमांड्स हैं वो अभी मेरे पास आए थे और मिले हैं। हाँ, मैंने वहाँ स्वाइन में अपने पटवारी से ही तब मौके पर हम गए थे, वहाँ पर जो भी पानी लीकेज वहाँ होना पाया गया, जहाँ पे पुराना प्राकृतिक स्रोत था उसके इर्द गिर्द, और पानी सीधे सड़क से होते हुए विनोद के घर तक चला आया था, और उसका प्रवाह दूसरे दिन उन्होंने अपनी मिश्री वगैरह लगा के की नाला में कर दिया है। तो उस समय तक कोई भी नुकसान वगैरह नहीं होना पाएगा। प्रशासन की ओर से उपमंडलाधिकारी को इस बारे में मैंने अवगत करवा दिया है, उनको लेटर भी लिख दिया है। इसके अतिरिक्त जो आज मेरे पास ये लेटर आया है, इसके बारे में भी हम प्रोजेक्ट वालों से भी और अपने आगे प्रशासन से भी बातचीत करें। आज ग्राम जड़ौता के सभी निवासी GMR कंपनी प्रबंधन के खिलाफ अपना मोर्चा खोलते हुए यहाँ नायब तहसीलदार साहब को ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि वर्ष 2014 से लगातार जो ग्रामीण हैं वो कंपनी प्रबंधन के साथ और प्रशासन के साथ पत्राचार कर रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, लेकिन उसका कोई भी अभी तक जो सार्थक परिणाम है वो हमारे सामने नहीं आया। आज स्थिति यह उत्पन्न हो गई है कि जो इस परियोजना में ये जो आपकी सुरंग है उससे पानी का लगातार रिसाव हो रहा है, और उससे हमारे जो प्राकृतिक जो संसाधन है वो नष्ट हो चुके हैं। एक हमारा जो देवी माँ का मंदिर है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है पूरी तरह से, और लोगों के जो घर हैं उसको खतरा उत्पन्न हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमारी एक ही प्रशासन और प्रबंधन से मांग है कि ये जो हमारा गाँव है इसको पूर्णतः प्रभावित गाँव घोषित किया जा सके, ताकि जो पूर्णतः प्रभावित गाँव को जो सुविधाएँ मिलती हैं वो इस गाँव को मिल सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं देवी सिंह प्रधान ग्राम पंचायत होली। जैसे कि 6-7 दिन पहले जो एडिट 6 में पानी का एक रिसाव हुआ है, आज जितने भी जड़ौता के गांववासी हैं आज हमने नायब तहसीलदार होली के पास यहां पर ज्ञापन दिया है। बाकी फोनिकली भी कंपनी प्रबंधन से बात की है कि जल्द से जल्द इसका जो है हल किया जाए, क्योंकि जो ये पानी का रिसाव है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और जो गाँव के लोग हैं वो काफी उसमें डर भय महसूस कर रहे हैं। तो मेरा प्रशासन से यही आग्रह रहेगा, सरकार से भी आग्रह रहेगा कि जल्द से जल्द जो पानी है और जो प्रोजेक्ट परियोजना जो GMR गैमन यहाँ काम किया है उनसे भी अपेक्षा रहे कि जो गेट का पानी अभी भी उन्होंने गेट अपने पूर्ण रूप से नहीं खोले हैं, तो जब तक कि ग्रामीण का भय खत्म नहीं होता गेट का पानी भी खोला जाए, ताकि अगर भविष्य में ऐसी कोई घटना होती है तो जिम्मेदार प्रशासन और प्रोजेक्ट होगा। धन्यवाद। मैं ब्लॉक समिति चेयरमैन भरमौर, हम गांववासी जड़ौता इसलिए आए थे कि ये होली प्रोजेक्ट है GMR वालों का, इनका पानी का रिसाव हो रहा है हमारे गांव के नीचे और बहुत ही ज्यादा हो रहा हो, इसके लिए हम ज्ञापन देने के लिए तहसीलदार महोदय के पास आए थे, और हम तहसीलदार महोदय जी से निवेदन करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके और हमारे गाँव को अति संवेदनशील घोषित किया जाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए भरमौर से अजय शर्मा की रिपोर्ट।